जैसा कि आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि अभी मैं राइड कर रहा हूँ बजाज की एक पॉपुलर गाड़ी बजाज पल्सर 150। तो ये गाड़ी मेरे पास पिछले 7 ईयर से है और ये 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है। तो आज इस गाड़ी पे मेरा ये लास्ट राइड है, क्योंकि ये गाड़ी मैंने सेल आउट कर रही है आज ही। तो 7 ईयर का मैं इसमें ओनरशिप रिव्यू आपको दूंगा और बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के एक ओवरव्यू पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछले टायर से। ये टायर मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ, पहले इसमें ट्यूब वाले टायर आते थे, अब ट्यूबलेस आते हैं। और ये है इसका फ्रंट टायर, ये भी मैंने एक बार चेंज किया है, पहले भी MRF के थे, अब भी MRF के हैं। तो ये इसका है इंजन, इंजन में अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, इंजन का कोई भी काम मैं नहीं करवाया हूँ अभी तक। और इसका अगर हम रियर लुक देखें तो ये इसकी आइकॉनिक टेल लाइट, हालांकि इंडिकेटर एक बार इसका टूट चुका था तो मैंने इंडिकेटर नया लगवाया है इसमें। और ये इसका फ्रंट लुक देखें तो हल्के हल्के स्केचेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और अगर इसके किलोमीटर्स की बात करें तो 49,457 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है, ऑलमोस्ट 50,000 आप मान सकते हैं। तो इस गाड़ी से मैं बहुत लंबी लंबी जो है टूर कर चुका हूँ, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो इस गाड़ी ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया है, इसका पिकअप पावर सब कुछ बहुत अच्छी है। खासकर मैंने ज़्यादा जो टूरिंग की है वो पहाड़ों में की है, तो पहाड़ों के लिए ये गाड़ी बेस्ट है। इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी मैं ज़रूर 2 बार चेंज कर चुका हूँ, एक बार अभी हाल ही में चेंज की है और एक बार जब ये 4 ईयर इसको हुए थे तब मैंने इसकी बैटरी चेंज की थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर लें। तो आज ये इस गाड़ी पे मेरी ये लास्ट राइड है और एक दो दिन में मैं कोई नई गाड़ी ले लूँगा, कौन सी ले लूँगा मैं सोच लिया, मैंने ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, तो आप कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या लगता है मैं कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ। और गाड़ी जो मुझे अभी लेनी है वो मुझे पावर इससे ज़्यादा चाहिए और थोड़ा मुझे टूरिंग जो होती है मेरी पहाड़ों की ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लिए मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो इस गाड़ी में मेरी ये लास्ट राइड है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये गाड़ी मैं आज सेल करने वाला हूँ। तो इस गाड़ी को सेल करने के बाद इस गाड़ी को मैं मिस ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है बजाज की पल्सर 150 ये है। तो अगर अभी हम प्राइस की बात करें तो अभी इसकी प्राइस लगभग 110-115 के आसपास ऑन रोड है, जब मैंने ली थी तब ये 78,000 के आसपास थी। तो अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं तो अगर पल्सर 150 लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर लें, बहुत अच्छी बाइक है। तो ये है इस गाड़ी से जुड़ी हुई मेरी कुछ मेमोरी, तो आप इन्जॉय कीजिए और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टेक केयर एंड थैंक यू।